कैसे चेंज होएगी? वाटर से। चौथा से एक क्वेश्चन पूछूं, हमारी इंडिया का सबसे अच्छा पानी कौन सा है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हमारे हमारी इंडिया का सबसे अच्छा पानी गंगा का है, राय? पर साइंस धार्मिक को मानता नहीं है। फिर उनने पांचों जगह रिसर्च किया और उनको एक ही चीज कॉमन देखने मिली, चौथी तीन प्रॉपर्टीज, और वो है एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइजेशन एंड माइक्रोप्लास्टरिंग, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर मैं आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछूं कि हमारी बॉडी की वैल्यू कितनी है, हमारी बॉडी की वैल्यू अमूल्य है, पर साइंटिस्ट लोग हमारी बॉडी की कीमत 322 करोड़ मानते हैं, राइट? फिर भी हम फोकस किस पे करते हैं? पैसा, सोना, गाड़ी, बंगलो, है? फिर भी हम कहते क्या है? योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। अगर मैं आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमको हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है तो उसके लिए हमको क्लीन एयर, गुड वाटर एंड पेस्टिसाइड्स फ्री फूड चाहिए, तो क्या अभी वो हमको मिलता है? यस और नो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। नहीं, अभी वो हमको नहीं मिलता है। अभी हम बात करते हैं पानी की, तो हमारे बॉडी में 72% पानी है। हमारे लिए पानी ही इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जल ही जीवन है। फिर भी हम फोकस किस पे करते हैं? खाने पे। वो भी कैसा खाना? पेस्टिसाइड वाला। हम कभी भी फ्रूट्स या तो वेजिटेबल्स लेते हैं घर पे, तो हम उसको नॉर्मल पानी से वॉश करके रख देते हैं, तो क्या उसमें से पेस्टिसाइड रिमूव होएंगे? यस या तो नो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। नहीं, उसमें से पेस्टिसाइड रिमूव नहीं होएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑयल बेस्ड पर है, तो उसके लिए हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो मैं बैकबोन टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइव डेमो को स्पॉटलाइट कीजिए। दोनों ग्लास में तिल का तेल डालेंगे, क्योंकि तिल का तेल पेस्टिसाइड्स को नॉन रिफाइंड होता है और पेस्टिसाइड्स भी नॉन रिफाइंड होते हैं। फिर हम एक ग्लास में डालेंगे नॉर्मल वाटर और हम दूसरा ग्लास में डालेंगे स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। फिर हम दोनों ग्लास को हिला देंगे, तो भी आप रिजल्ट देख सकते हो कि जो नॉर्मल पानी अभी आप रिजल्ट देख सकते हो कि जो नॉर्मल वाटर है उसमें तेल और पानी मिक्स नहीं हुआ, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर था उसमें तेल फट गया, यानी कि पेस्टिसाइड्स रिमूव हो गए। तो अभी हम बात करते हैं हवा के बारे में, तो क्या हम शुद्ध हवा लेते हैं? यस और नो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए।
हम शुद्ध हवा नहीं लेते तो उससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। अगर मैं एक एप्पल काट के रख दूं, फिर अगर हम उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो ब्लैक होएगा या तो ब्राउन, तो उससे क्या होएगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होएगा। तो वैसे ही हमारी एज में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होएगा और हमारी एज फास्ट होती जाएगी। और अगर हमको हमारी ऑक्सीडेशन से हमको बचना हो तो उसके लिए हमको एंटी ऑक्सीडेशन चाहिए। जो हम मेजर करते हैं वो है ओआरपी, जो है प्लस एन माइनस। तो प्लस ओआरपी में आता है बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक्स, आरओ वाटर एंड टैप वाटर। फिर माइनस ओआरपी में आता है विटामिन सी, जो कि माइनस 100 ओआरपी है। फिर आता है रॉ वेजिटेबल्स माइनस 200 ओआरपी। फिर आता है कोड लिवर ऑयल, जो है माइनस 300 ओआरपी। फिर आता है हमारा मेडिकल डिवाइस कैंगन वाटर, जो कि माइनस 400 टू माइनस 800 ओआरपी है। यानी कि जो प्लस ओआरपी है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो माइनस ओआरपी है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो उसके लिए हम वापस प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं बैकबोन टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइव डेमो को स्पॉटलाइट कीजिए। तो हम दो ग्लास लेंगे, हम एक ग्लास में डालेंगे नॉर्मल वाटर और हम दूसरे ग्लास में डालेंगे कैंगन वाटर। फिर हम एक ग्लास में, फिर हम दोनों ग्लास में ओ आर पी ड्रॉप्स डाल देंगे। फिर हम दोनों ग्लास को हिला देंगे। तो अभी आप रिजल्ट देख सकते हो कि जो हमारा नॉर्मल वाटर वाला ग्लास है उसमें पानी मिक्स नहीं हुआ, यानी कि उसका कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो हमारा कैंगन वाटर वाला ग्लास है उसमें कलर चेंज हो गया, यानी कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अभी मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछू कि हमारे हमने लास्ट वीक क्या खाया? हमने एसिडिक फूड ही खाया होगा, राइट? तो उसे कहीं कैंसर हो सकते हैं, वो मैं नहीं, डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉर्बक कहते हैं, जिन्होंने कैंसर को फाउंड किया था कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, वेयर एज हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। और अगर हमारा पानी एसिडिक हुआ तो हमको कैंसर हो सकते हैं, राइट? तो अभी हम देखेंगे उसके लिए पीएच के। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है अल्कलाइजेशन। तो सबसे पहले आता है 7 पीएच का, जो कि न्यूट्रल वाटर है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और बुरा भी नहीं है। और अगर इसका नीचे जाता है 1 to 6 पीएच में तो वो एसिडिक है, और यानी कि वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर उसके ऊपर जाता है 8 to 14 पीएच में तो वो अल्कलाइन है, तो हमारी वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो उसके लिए हम वापस प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं बैकबोन टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइव डेमो को स्पॉटलाइट कीजिए। तीन ग्लास लेंगे, हम एक ग्लास में डालेंगे ट्रांसपेरेंट कोल्ड ड्रिंक, हम दूसरे ग्लास में डालेंगे नॉर्मल वाटर मार्केट वाटर, हम तीसरे ग्लास में डालेंगे कैंगन वाटर। तो फिर हम तीनों ग्लास में अभी डालेंगे पीएच टेस्टर।
हम तीनों ग्लास को हिला देंगे तो अभी आप रिजल्ट देख सकते हो कि जो नॉर्मल जो हमारा कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास है उसका कलर पूरा रेड बेस्ड पर हो गया, यानी कि वो ऐसे दिखे और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। फिर जो हमारा कैंगन वाटर वाला ग्लास है वो पूरा ब्लू बेस्ड पर हो गया, यानी कि वो भी वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अभी हम बात करते हैं हमारी लास्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है माइक्रो क्लस्टरिंग। तो हम जब भी नॉर्मल पी लेते तीन या तो चार ग्लास तो हमारा पेट हेवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 15 टू 16 मॉलिक्यूल्स का होता है और वो मोटा पानी है, राइट? अगर वही पानी हमारे डिवाइस में से पास होके जाता है तो वो 4 टू 6 मॉलिक्यूल्स का हो जाता है, और अगर हम उसको तीन या तो चार ग्लास पिए तो वो पतला होता है, इसीलिए हमारा पेट हैवी नहीं होता है। तो उसके लिए हम वापस प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं बैकबम टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइव डेमो को स्पॉटलाइट कीजिए। फिर हम एक ग्लास में डालेंगे कैंगन वाटर, फिर हम दोनों ग्लास को हिला देंगे। तो अभी आप रिजल्ट देख सकते हो कि जो नॉर्मल पानी वाला ग्लास है उसका उसमें हल्दी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मोटा पानी है। लेकिन जो हमारा 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 जो कैंगन वाटर वाला ग्लास है उसमें हल्दी अच्छी तरह से मिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि वो पतला पानी है। तो ये है हमारा कैंगन डिवाइस जिसमें 7 टाइप्स के पानी है, जो है 8.5 पीएच, 9 पीएच एंड 9.5 पीएच, जिसको हम कुकिंग और ड्रिंक यूज करते हैं। फिर आता है 7 पीएच का क्लीन वाटर जिसको मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। फिर हम लेते हैं 6 पीएच का ब्यूटी वाटर स्किन और हेयर के लिए, जिसको हम स्प्रे करते हैं। फिर आता है 2.5 पीएच का जिसको हम सैनिटाइजर की तरह और कहीं स्किन प्रॉब्लम्स में हम स्प्रे करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को खींच ले, और हम 9.5 पीएच का पीते हैं ताकि वो हमको हमारे अंदर से बैक्टीरिया निकाल दे, और हम 11.5 पीएच का भी आता है जिससे हम फ्रूट वेजिटेबल्स वॉश करते हैं। अभी मैं चॉइस आप पे रखूंगी कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स देनी आपको फैमिली को एसिडिक वाटर, ऑक्सीडाइज प्लस ओआरपी वाटर, लार्ज क्लस्टर वाटर फुल ऑफ क्लोरीन वाटर, डेड वाटर एंड कैंसर पेस्टिसाइड्स, और आपको इन सब का सोल्यूशन एक ही में चाहिए जो है हमारा कैंगन डिवाइस। इसीलिए कहते हैं चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। थैंक यू कि आप लोग ने मेरे को इतनी सारी देर सुना और आपका कीमती टाइम दिया। और मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे नागेश्वर सर। वाव सियोना मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। क्या आपको इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको लगा कि नहीं हमें
आज जो हम लोग चीजें खा रहे हैं, जैसे कि सियोन ने हमें बताया, हजम, पानी, खुराक और हवा, ये तीनों चीजें जो है हमें सही नहीं मिल रही है, उसका इस तीनों का सोल्यूशन सिर्फ हमें एक चीज में मिल जाए, राइट, और हमारे परिवार के लिए, तो क्या हम वो करने के लिए तैयार है? सियोना मैम ने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए जरूरी है, तो प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, और उसके बाद इस चीज को कैसे आप अपने घर पे एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए जिन लोगों ने भी आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद उनको एक बार कॉल कीजिए, और उनको थैंक यू बोलने के बाद उनको बोलिए कि इस चीज को मैं अपने घर तक कैसे पहुंचा सकूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज सियोना मैम ने हमें हेल्थ के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी, हमारी बॉडी जो है उसकी वैल्यूएशन कितनी है, राइट, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी, इस इज द लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन। क्या आपको भी लग रहा है कि ये लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन है? तो प्लीज चैट बॉक्स में वंस अगेन यस टाइप कर दीजिए, और अमेजिंग सियोना मैम ऐसा एक बार आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यस, थैंक यू सो मच। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी हम अपनी मीटिंग का दौर आगे बढ़ाते हुए सियोना मैम ने जो हमें पहले हेल्थ की इंफॉर्मेशन दी, राइट, तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और उनकी जिंदगी के, उनकी बॉडी के हेल्थ के अंदर क्या उनको चेंज मिला है। मैं यहाँ से दो से तीन लोगों का शेयरिंग लेना चाहता हूँ, वो प्लीज चैट बॉक्स में आप एसएस टाइप कीजिए, या तो फिर आप अपना हैंड रेस कीजिए, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर पिकअप कर सकूं। यस, बैकबोन टीम, यहाँ पे अभिषेक जोधाणी, प्लीज अभिषेक जोधाणी को आप अनम्यूट कीजिए बैकबोन टीम। यस वेलकम सर, अभिषेक सर आपको एक मिनट के अंदर सर अपना जो भी आपको रिजल्ट मिला है वो यहाँ पे सब लोगों के सामने आपको शेयर करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक जुदानी है और आज मैं आप लोगों के साथ हेल्थ शेयरिंग करने वाला हूँ कि मेरे घर में लोगों को, सबको, फैमिली मेंबर्स को कैसे रिजल्ट मिला। हमारे घर में जब यह मेडिकल डिवाइस आया उसके बाद से सबने प्रॉपर तरीके से पानी पीना चालू किया और सबको रिजल्ट मिला। मेरी दादी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, वो सॉल्व हो गई और मेरा बाहर खाना कम हो गया। मुझे पता चला कि कितना एसिडिटी होता है उसमें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम हो गया, जिससे मेरे पेट में दुखना, वजन बढ़ने की बीमारियां कम हो गई। और मेरी छोटी बहन की हाथ में रैशेस हो जाते थे, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, एकदम क्लियर हो गया। और मैं सबको ये सजेस्ट करना, पानी बहुत कमाल का है। वाव, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया आपने शेयरिंग किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं प्लीज और लोगों का यहाँ पे शेयरिंग लेना चाहता हूँ, जल्दी से चैट बॉक्स में एसएस टाइप कीजिए। ओके, यहाँ पे राजवीबा चुड़ासमा है, प्लीज उनको अनम्यूट किया जाए बैकबोन टीम, राजवीबा चुड़ासमा को। मैम प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, राजवी मैम। यस वेलकम मैम, यस मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए बैकबोन टीम, राजवीबा चुड़ासमा को। यस मैम, गुड इवनिंग, मैं राजवीबा चुड़ासमा जामनगर से हूँ। मेरे घर कैंगन मशीन आया, उसके 3 मंथ्स हो गए और इस कैंगन वाटर पीने से हमारी फैमिली में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला है। जैसे मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था तो ये पानी पिया तो मेरे को 1 महीने में ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। प्लस मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ, प्रोफेशनली क्रिकेट खेलती हूँ, तो आपको पता ही होगा कि मेरे को कितना धूप में रहने का पड़ता है और कितना पसीना आता है, तो उस पसीने की वजह से मेरे फेस पे
बहुत पिंपल्स हो जाते थे, बहुत सनबर्न हो जाता था, टैन हो जाता था. और बीइंग अ गर्ल मेरे को तो ऐसा है कि मेरी स्किन अच्छी लगे, तो कैंगन वाटर यूज करने से, मेरे फेस पे लगाने से मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. मेरे पिंपल्स के दाग जाने लगे, और प्लस ये वाटर मैंने हेयर में भी यूज किया तो उससे मेरे हेयर भी बहुत सॉफ्ट होने लगे. तो ऑल थैंक्स टू कैंगन वाटर, इससे मेरे को मेरी ब्यूटी में भी बहुत हेल्प हुई, और प्लस मेरे को मेरे फील्ड में भी बहुत एनर्जेटिक फील होता है जब मैं कोई भी फिटनेस करती हूँ या कोई भी मॉर्निंग में क्रिकेट खेलती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, तब बहुत एनर्जेटिक फील होता है ये पानी पीने से. वाओ, वाओ, थैंक यू सो मच मैम. माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैम ने जो शेयरिंग किया कि मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूं और उन्होंने अपने हेल्थ के लिए इस चीज को एक्सेप्ट किया है, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही बढ़िया शेयरिंग लिया. हाँ, यहाँ पे और एक मैं शेयरिंग लेना चाहता हूँ, राइट? ऐसे टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर. बैकबोन टीम, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आप दीपू पंडिया को अनम्यूट कीजिए. दीपू पंडिया मैम, यस यस दीपू मैम, आपको एक मिनट के अंदर शेयरिंग करना है. यस, मैं जब छोटा था ना तब मैं बहुत बीमार रहता था. जब फरवरी से कैंगन आया ना तब से खांसी भी नहीं आई है. मैंने तो ठीक कर दी थी. मैंने मम्मी को अस्थमा था, जब कैंगन आया ना तब अस्थमा मिट गया था. वाओ, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज को यूज कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर रहे हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच ऑल शेयरिंग पार्टिसिपेट. ओके, मीटिंग का दौर आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं, जैसे कि हमें सियोना मैम ने बहुत ही बढ़िया हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि आज काफी सारी चीजें ऐसी है कि जो हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम लोग आज खा रहे हैं. जैसे कि हमें एसिडिक फूड और पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोग पी रहे हैं और हमारे परिवार को पिला भी रहे हैं. तो आपने यहाँ पर आज इंफॉर्मेशन ने देखा कि इस चीज को अगर हम लोग कंटिन्यूसली खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इसी चीज के अंदर अगर हम लोग ले रहे, इसका सोल्यूशन नहीं ला रहे, तो हमें एक टाइम पर काफी सारी बीमारियां जो है वो बढ़ जा रही है, राइट? डिसीज के नाम पर हमारे हमारा घर जो है वो पूरा का पूरा भर रहा है. तो क्या हमें इसका सोल्यूशन लाना चाहिए? काफी सारे लोगों ने आज शेयरिंग किया. क्या आपको लगता है कि अगर इन लोगों के घर के अंदर भी सारे डिसीज थे वो सोल्व हुए और उन्हें रिजल्ट मिला है, तो हमें भी इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए? यस और नो, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, सियोना मैम ने बहुत एक बढ़िया बात कही थी कि योर हेल्थ इज रियल वेल्थ. सो पहले इंफॉर्मेशन आपको हेल्थ की मिल चुकी है, अभी हम लोग आगे हेल्थ के साथ साथ वेल्थ की इंफॉर्मेशन भी लेंगे, राइट? और मुझे पता है काफी सारे लोगों को यहाँ पे वेल्थ की इंफॉर्मेशन जानने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होगी और ज्यादा मजा भी उनमें आएगा, राइट? क्योंकि बात यहाँ पे अभी पैसे की आ रही है. सो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड है वेल्थ के बारे में जानने के लिए, कितने लोग एक्साइटेड है 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए. इस चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए. वाव वाव, अमेजिंग. मतलब आप सब लोग, लोगों के एक्साइटमेंट देख रहे हो कि जैसे ही उन्होंने हेल्थ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसी तरह उनको वेल्थ के अंदर भी इंटरेस्ट है. हेल्थ के अंदर जिनका उनको इनका इंटरेस्ट है उतना ही ज्यादा वेल्थ के अंदर भी उनका इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा है. तो यहाँ पर मैं वेल्थ की इंफॉर्मेशन के लिए किसी पर्सनैलिटी को इन्वाइट करना चाहता हूँ जिनकी उम्र सिर्फ अभी 16 साल है. सूरत सिटी से वो बिलोंग करते हैं. 11th स्टैंडर्ड में वो भी वो स्टडी कर रहे हैं.
यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उनकी प्रोफाइल बताई तो मुझे ऐसा लगा कि आप सभी लोग शॉक हो जाओगे और चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट दिखाओगे उनको सुनने के लिए। तो मुझे आपकी एक्साइटमेंट दिख रही है, मैंने सिर्फ आपको प्रोफाइल अभी बताई कि उनकी एज सिर्फ 16 ईयर्स है और 11th स्टैंडर्ड में वो स्टडी कर रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं, राइट? वाओ, आई लव इट। आप सभी लोग अभी एक्साइटमेंट हो फुल। थैंक यू सो मच। राइट, तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी को हम सभी लोग साथ में मिलकर इन्वाइट कर रहे हैं। So please let me invite none other than Mr. Mithun Chalodia sir. Yes, backbone team एक बढ़िया म्यूजिक के साथ उनको यहाँ पे इन्वाइट किया था। Yes, Mithun sir. पैसा तो बहुत पसंद है, मेरे को भी पता है। क्या पसंद है आप लोगों को पैसे? चैट बॉक्स में देखो, यस टाइप करो चैट बॉक्स में। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? वेलकम टू एनर्जिक बिजनेस। आपने हेल्थ के बारे में सुना, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं वेल्थ के बारे में। इस बिजनेस की एक बहुत ही बड़ी मुकाम पे है हम, आइडियल बिजनेस। एक तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ज्यादातर इसमें प्रॉफिट ही है, लॉस इसमें है ही नहीं। लीगल और एथिकल है इस बिजनेस में। अभी 48 ईयर से कोई भी एलिगेशंस या कोई भी केस नहीं हुआ है इस बिजनेस में। इसका प्रोडक्ट अमेजिंग है, जैसे कि आपने देखा है पहले, लो इन्वेस्टमेंट। इसका इन्वेस्टमेंट है जो लो है, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए है, इसकी इनकम लॉन्ग टर्म के लिए चलती है और रुकती भी नहीं है। सेटिस्फेक्शन है इसका, जो प्रोडक्ट है, जो बिजनेस है, वो हमें सेटिस्फेक्शन ही देता है। स्टेबल बिजनेस है, हमें काम करते हैं तब तक हमें पैसा मिलता है। कोई भी इसमें डिक्रीजेबल लेवल भी नहीं है। नो स्टॉक, कुछ भी हमें स्टॉक नहीं करना है इस बिजनेस में। ग्लोबल एक्सपेंशन, वर्ल्ड वाइड हम कभी भी कहीं भी हम इसको एक्सपेंस कर सकते हैं। एड वैल्यू इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ को एक अलग मुकाम पे पहुंचाता है। लो ओवरहेड्स, नो हेडेक, कुछ भी सिरदर्द नहीं है। टाइम फ्रीडम, हमें कभी भी जब भी हम चाहे ये बिजनेस हम कर सकते हैं। फन है पूरा इस बिजनेस में, पूरा फन है। हम अभी देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और एनर्जिक बिजनेस को। ट्रेडिशनल बिजनेस में नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कोई भी स्टार्टअप हमें करना होता है तो उसमें कम से कम 50-60 लाख हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके वो बिजनेस स्टार्टअप होता है। उसमें स्टॉक्स चाहिए होता है, शोरूम चाहिए होता है, हमें जो सामान लेना है वो स्टोर करना पड़ता है ना उसको। लिमिटेशन ऑफ एरिया, जो एरिया होता है वो हमारा लिमिटेशन होता है, जैसे कि एक बाउंड्रीज में हम सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को। लायबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमें हमारी जो हम कंपनी में कोई काम करता है जो सैलरी हमें देनी होती है, और या तो अगर हमने बैंक में से लोन लिया अगर, वो भी इसमें नहीं होता है। लिमिटेड अर्निंग विदाउट रॉयल्टी, इसमें लिमिटिंग क्या बोलते हैं उसको, अर्निंग आती है लिमिटिंग, और रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी जो एनर्जी बिजनेस में मिलती है इसमें नहीं मिलती है। एनर्जी बिजनेस में देखते हैं तो हम जीरो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं होता है। नो स्टॉक्स, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी स्टॉक नहीं करना होता है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल एक्सपेंशन एफर्ट्स, छोटे छोटे मुकाम से हम ग्लोबल इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपेंस कर सकते हैं। अर्न वीआई रेफरेंस विद टीम, हम पूरी टीम को एक साथ में लेके एक मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। यूज अर्निंग एंड रॉयल्टी इनकम अप टू थर्ड जनरेशन, मीन्स इसकी जो अर्निंग है वो रुकती ही नहीं है, अनलिमिटेड अर्निंग है इसमें से, और इसकी जो इनकम है वो रॉयल्टी इनकम है जो 3 जनरेशन तक हमें मिलती है।
कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि हमें देखना पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करनी हो तो वो कंपनी से पहले जाते हैं चैनल पार्टनर, ब्रांड एम्बेसडर, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, बाद में जाके हम तक आती है। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट की कीमत अगर हो पांच रुपए की, प्रोडक्ट इन सब में से जाके गुजर के हमारे पास आती है 20 रुपए में। मीन्स इन सब में बीच में जो लगता है वो टैक्स लगता है इन सब, तो जो प्राइस की वैल्यू बढ़ा देता है। और इसमें हम एनर्जिक बिजनेस में देखे तो कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर, मीन्स ये बिजनेस B2C है, मीन्स डायरेक्ट हमें कंपनी से कस्टमर टू प्रोवाइड करता है, मीन्स इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगता नहीं है। हम अभी देखने चाहेंगे कंपनी स्ट्रेंथ एंड प्रोडक्ट स्ट्रेंथ। कंपनी स्ट्रेंथ, ये कंपनी 45 ईयर से प्रूवन हिस्ट्री में है, इसमें कोई भी एलिगेशन अब तक तो लगे नहीं है और लगने भी नहीं वाले। पायनियर इन वाटर इंडस्ट्री, मीन्स इसमें एक पिलर खड़ा कर दिया है, मजबूत पिलर है जो कोई भी हिला नहीं सकता अभी तक वाटर एनर्जी में। कस्टमर एंड ब्रांड एम्बेसडर, कस्टमर ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, हमें कोई भी अगर हम कस्टम प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम इसके ब्रांड एम्बेसडर है, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है हम ही। ट्रूली हेल्थ ओरिएंटेड एथिक्स, एथिक्स के साथ हमारा बिजनेस काम करता है। क्रिस्टल क्लियर बिजनेस विजन, जो बिजनेस विजन है इसका जो पानी के जैसे क्लियर है पूरे का पूरा। जो हम प्रोडक्ट चेंज की बात करें, प्रोडक्ट सेंस के बारे में बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड सेल्स पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी के साथ हम काम करते हैं। ट्रस्टेड मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला हमें कंपनी को, जो कि अब लोगों को पता होगा 3 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है हमें टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये हेल्थ वाइज के है, ये भी हमारी कंपनी के पास है। रिकमेंडेड बाय 6500 इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने भी ये रिकमेंडेड किया है ये प्रोडक्ट को, और वो भी इंटरनेशनल डॉक्टर्स। लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इस मशीन की जो ईयर मीन्स क्या वैल्यू बोलते हैं हम, लाइफ टाइम वैल्यू, वो 15 से 25 साल का है। एसेंशियल लाइफ टाइम प्रोडक्ट, हम दूसरा देखने जा रहे हैं बिजनेस के एडवांटेजेस क्या क्या है। पहले तो जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना हमें इस बिजनेस में। नो एनुअल नो मंथली, कोई भी हमें एनुअल मंथली इनकम नहीं मिलती है। ग्लोबल सेल्स मीन्स हमें वर्ल्ड वाइड किधर भी हम, आप इधर रहके अमेरिका जापान किधर भी आप सेल कर सकते हो इस बिजनेस को, वर्ल्ड वाइड किधर भी आप फैला सकते हो। नो स्टोर हाउस, नो ऑफिस, नो स्टॉक्स, कुछ भी हमें इधर स्टोर करना या ऑफिस बनानी ऐसा कुछ नहीं है। नो स्टाफ, नो सैलरीज, स्टाफ को रखना भी नहीं है, ना कि कोई सैलरी देनी है इनको। नेवर रैंक डाउन, अगर आप काम कर रहे हो इस बिजनेस में, अगर आपने कुछ रीजन के हिसाब से आपने काम बंद कर दिया है, और अगर आपको थोड़ी कुछ समय के बाद अगर आपको रिस्टार्ट करना है वो बिजनेस को, तो उसमें आपको जितने भी लेवल पे थे आप, वही लेवल से आपका बिजनेस चालू होता है ना, इधर कोई रैंक डाउन नहीं होता है। कुछ भी क्रेडिट नहीं है, नो टेंशन, कोई लाइबिलिटीज हमें रखनी नहीं है इसमें, और जो भी इनकम आती है वो हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, जो कि वाइड इनकम के हिसाब से होती है। और हम जैसे काम करते हैं वैसे ही हमें पे डेली, मीन्स वो जैसे भी हम काम करते हैं उस दिन ही हमें पैसा मिल जाता है। हम देखते हैं अभी बिजनेस एडवांटेजेस के बारे में। ये बिजनेस वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड बिजनेस प्लान है, ये इसका जो बिजनेस प्लान है वो पेटेंटेड है। रन बिजनेस एन ग्लोबल लेवल, ये ग्लोबल लेवल पे बिजनेस चल रहा है अभी तक। बी द सीईओ ऑफ योर ओन हेल्थ एंड द कंपनी, खुद की हेल्थ के हम सीईओ बनते हैं, खुद की बिजनेस के हम सीईओ बनते हैं। नो सेटअप कोस्ट, कुछ भी सेटअप कोस्ट इसमें नहीं लग रहा है। कंप्लीटली रिस्क फ्री, कुछ भी इसमें रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें कोई लाइबिलिटीज भी नहीं है। इनकम विथ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एंड रॉयल्टी, इम्यूनिटी जो हमें हेल्थ के साथ हमारी इनकम मिलती है, ह्यूमैनिटी रिलेशन बढ़ते हैं हमें इनकम के साथ, रॉयल्टी 3 जनरेशन के साथ हमें इनकम मिलती है, 3 जनरेशन तक इनकम मिलती है। मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मिनिमम है, बहुत ही लो कॉस्ट है इसका। नो टारगेट ओरिएंटेड प्लान, इसका कोई भी ओरिएंटेड प्लान नहीं है, इसमें आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो। जब तक आपको काम करना है, जितना भी हम काम करते हो उतनी अनलिमिटेड इनकम आपको इसमें मिलती है। रिसीव फेम अलोंग विथ ब्लेसिंग्स, कोई भी बिजनेस आप देखो उसमें बहुत कम बिजनेस होंगे जिसको आप काम करते के साथ आपको इनकम मिलती है, उसको ब्लेसिंग मिलती है। अगर हम काम करते तो हमें उसमें साथ में ब्लेसिंग भी मिलती है। और तो मैंने आप सभी को ये बिजनेस प्लान बताया है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है सर, ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कुछ और जानकारी के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आपको जिसने इधर इनवाइट किया है उनको आप संपर्क करके उनके माध्यम से आप ज्यादातर जानकारी ले सकते हो। थैंक यू जय सर, ओवर टू यू।
Wow, amazing. Thank you so much, Mitul sir. Backbone team, please, Mitul sir, के लिए एक बार जोरदार म्यूजिक हो जाना चाहिए. Yes. मैं चाहता हूँ सारा पार्टिसिपेट प्लीज आपको अगर मितुल सर की इन्फॉर्मेशन जानने के बाद बहुत ही अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि नहीं इस चीज को करने के बाद मेरी जिंदगी में भी कुछ चेंज आ रहा है, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में मितुल सर अप्रिशिएट कीजिए. मितुल सर अमेजिंग, एक बार ऐसा प्लीज टाइप कर दीजिए. यस, मैं बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बढ़िया सा म्यूजिक हो जाए मितुल सर के. थैंक यू. Amazing, Mitul sir. Thank you so much कि आपने एक बहुत ही बढ़िया information आज हमारे सारी participant को दी. Now, मैं, my dear friends, आपको बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो 21st century का सबसे best business के बारे में, उसके जो business advantage आप जो बोले, क्या आपको लगता है कि नहीं, ये उसको trailer दिखाया, picture अभी बहुत ही बड़ा है, जिन लोगों ने भी आपको यहाँ पर invite किया है, मीटिंग एंड होने के बाद उनको पहले कॉल कीजिए, उनका अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उनको थैंक यू कहिए और उनको बोलिए कि मुझे ये पूरा बिजनेस प्लान देखना है. राइट, कौन कौन लोग ये करेगा प्लीज मैं चेक बॉक्स में उनसे यस टाइप करवाना चाहूंगा. कौन कौन लोग मीटिंग एड होने के बाद जिन्होंने नहीं उनको इन्वाइट किया है उनको कॉल कर रहा है. वाओ, अमेजिंग. थैंक यू सो मच. राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस जो है 21st सेंचुरी का. आज जितने भी लोग, शायद कुछ लोग यहाँ पे अवेलेबल है कि जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, उनसे मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ कि ये बिजनेस करने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आया, पहले उनकी लाइफ का दौर, उनकी सिचुएशन क्या थी और इस बिजनेस को करने के बाद आज उनकी लाइफ के अंदर कैसा चेंज आया. क्या आप भी वो जानने के लिए एक्साइटेड हो, प्लीज चैट में यस और नो टाइप कीजिए. क्या आप वो जानने के लिए एक्साइटेड हो? थैंक यू सो मच एवरीवन. आपका एक्साइटमेंट देख के मुझ में ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है और एनर्जी लेवल जो है वो दुगना हो रहा है. उसके लिए मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मेरे यूट्यूब के भी जो सारे पार्टिसिपेट है उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आप भी हमारे साथ अभी तक इस मीटिंग के अभी इस मीटिंग तक बने रहे हो. राइट, सो यहाँ पर मैं कुछ लोगों का रिव्यू लेना चाहता हूँ. प्लीज इफ आप लोग ऐसे टाइप कीजिए और हैंड रेस कीजिए. यस, माय बैकबोन टीम, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू कि आप युवराज सैनी सर को यहाँ पर अनम्यूट कीजिए. यस, युवराज सैनी सर. यस सर, आप अनम्यूट कर सकते हो वहां से. हाँ, यस सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच आपने मुझे. हाँ, फाइन सर. सर थैंक यू सो मच आपने मुझे मौका दिया इस मेगा इवेंट में शेयरिंग करने का. सो सर, माइसेल्फ युवराज और अभी मेरी एज 17 ईयर है और मैं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीकुई सिटी से बिलोंग करता हूँ. सर मेरी फैमिली ने कैंगन बिजनेस जब स्टार्ट किया था ना सर, ओनली कैंगन मशीन लिया था हेल्थ के पर्पज से. जब मेरी फैमिली को हेल्थ के रिजल्ट मिले ना सर, उनके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि क्यों ना यार, अब इसमें वेल्थ भी है तो वेल्थ के ऊपर भी काम किया जाए. तो उन्होंने सर वेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और आज मैं अपनी फैमिली के साथ कैंगन बिजनेस को कर रहा हूं और आज हम अपनी फैमिली के साथ साथ लगभग 53 फैमिलीज को हेल्थ और वेल्थ दोनों तरीके से सिक्योर कर चुके हैं सर. जिन लोगों के घर में पैसे की प्रॉब्लम थी उनको हमने वेल्थ दिए सर. इसके लिए थैंक यू सो मच एनएस सर को कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों के लाइफ में वेल्थ ला सकते हैं और प्लस में हेल्थ भी ला सकते हैं सर. थैंक यू सो मच युवराज सर. थैंक यू सो मच यार, आपने इतना अमेजिंग शेयरिंग किया, बहुत ही अमेजिंग. इस शेयरिंग से तो मुझे भी पावर मिला. मैं मेरे पार्टिसिपेट से जानना चाहता हूँ कि क्या आपको भी पावर मिला इनका शेयरिंग सुन के. अगर आपको पावर मिला हो तो प्लीज चैट बॉक्स में युवराज सर
वेरी पावरफुल टाइप कर दीजिए एक बार, वेरी पावरफुल चलिए। सर एक मिनट, सर अशोक जी, सर अशोक जी का क्वेश्चन है कि आपकी सिटी, सर मैं बांदीकुई सिटी से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीकुई सिटी से। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब विराज सर उससे तो मैं भी एग्री हूँ कि इस बिजनेस को करने के बाद काफी सारे लोगों की जिंदगी में हम लोग वैल्यू एड करते हैं, इससे तो मैं भी एग्री हूँ। बिल्कुल सर, लोगों की ब्लेसिंग भी मिलती है राइट, उसके साथ हम लोग ये चीज करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और या सर, थैंक यू सो मच। बड़ी यंग एज में आपने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया, उसके लिए आपको गॉड ब्लेस यू राइट। और आगे हम लोग हमारा दौर बढ़ाते हैं और दूसरा शेयरिंग में यहाँ पर लेना चाहता हूँ। प्लीज चैट बॉक्स में ऐसे टाइप कर दीजिए। यस बैकवर्ड टीम, प्लीज विश्व मंसूरिया सर को यहाँ पे एडमिट किया जाए। प्लीज विश्व मंसूरिया सर, यस ब्रेकबोन टीम, प्लीज विश्व मंसूरिया सर को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू शेयरिंग का मौका देने के लिए सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम विश्व मंसूरिया है और मैं बीबीए कर रहा हूँ फ्रॉम पुणे, और मैं 20 साल का हूँ अभी। मैंने मशीन लिया उसका एक साल हो गया है, एंड मशीन यूज किया उसके 2-3 महीने बाद मुझे थोड़ा डिफरेंस, मतलब हेल्थ अच्छी हुई, हेल्थ में मतलब दिखा रिजल्ट और सब। तो उसके बाद मैंने उसका बिजनेस स्टार्ट किया पार्ट टाइम, और अभी तक मैंने 71 फैमिलीज को सिक्योर कर चुका हूँ मैं। और जब ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था उसके पहले की बात करें तो मैं फाइनेंशियली उतना फ्रीडम नहीं थी मेरे पास, मतलब कॉलेज की फीस, रेंट, सब मतलब पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था मैं। ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आज मेरी कॉलेज की फीस है, रेंट, सब मैं अपने आप मैनेज कर रहा हूँ एवरीथिंग। और इसके लिए मैं नागेश्वर सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और टीम NSI को, उसके सपोर्ट से ही है सब हुआ। अगर वो नहीं होता तो यहाँ तक मैं नहीं होता आज तक। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू सर, बहुत ही अमेजिंग आपने शेयरिंग किया। थैंक यू सर, वाओ, आपके शेयरिंग से बहुत ही बढ़िया पावर मुझे मिल रहा है यहाँ पर। मैं लोगों से जानना चाहता हूँ क्या इनका शेयरिंग सुनने के बाद आपको कुछ पावर मिला, क्या आपको कुछ एनर्जी फील हुई? प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो टाइप कीजिए। विश्व सर यू आर ग्रेट, काफी सारे लोगों को आप यहाँ पे अपना एक मिनट का शेयरिंग करके ही आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंस्पायर किया। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचो कि 20 साल की उम्र के अंदर जहाँ पे वो पढ़ाई करने का अभी जो टाइम है और उनके अंदर वो खुद अपना रेंट, अपनी फीस जो वो मैनेज करते हैं राइट। तो ये 21st सेंचुरी, मैं इसको 21st सेंचुरी इसका बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आता है उसकी लाइफ के अंदर 100% चेंज होता है राइट। इसके लिए मैं इसको 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस बोलता हूँ। और एक शेयरिंग हम लोग यहाँ पर लेंगे वेल्थ के ऊपर। यहाँ पर मेरे सामने मुझे हिरन परमार सर दिख रहे हैं। यस प्लीज बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट है हिरन परमार सर को यहाँ पे इनवाइट किया जाए, उनको अनम्यूट किया जाए। यस हिरन परमार सर, सर आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग आ रही है सर। आपका थोड़ा सा नेट इशू। सर थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। यस यस सर, मुझे बोलने का मौका दिया। Myself हिरन परमार फ्रॉम जामनगर एंड कॉलेज सेकंड ईयर में हूँ, 20 साल का हूँ। और थैंक यू NSI को कि मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले जब मैंने कैंगन शुरू किया था तब मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता था, लेकिन सुपर 30 की वजह से आज मेरे में परिवर्तन आया और लोगों के सामने मैं बोल सकता हूँ। आज 1.5 साल पहले मैंने कैंगन शुरू किया था कॉलेज सर पार्ट करते, जब फ्री होता था तब डेमो करता था, करता था। आज 1.5 साल के बाद अभी भी पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ। पिछले महीने मैंने 6 रैंक हासिल किया है, और पहले मैंने एक डीएस लेने की भी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन आज हर मंथ में एसटी 5 ले सकता हूँ। और मेरे उम्र के हर लड़के को मैं बोलना, जो मैं कर सकता हूँ ना सर, तो आप सब लोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। वाओ वाओ हिरन सर, थैंक यू सो मच।
यार इनके लिए बहुत ही बढ़िया डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए हिडन सर के लिए, बहुत ही पावरफुल सर को यहां पर इंस्पायरिंग अस। मतलब आप मेरे डियर फ्रेंड सोचो कि इस बिजनेस को जब सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं के बाद उनकी जो लाइफ वो 360 डिग्री चेंज हो जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद हमारी लाइफ जो वो 360 डिग्री चेंज हो जाती है, जैसे हिरेन सर की हुई, विश्व सर की और काफी जो भी पार्टिसिपेट ने यहाँ पे शेयरिंग किया राइट उनकी हुई कि पढ़ाई करने की उम्र के अंदर ये पार्ट टाइम जामनगर गुजरात से ये बिलोंग करते हैं और पार्ट टाइम इस बिजनेस को आज उन्होंने 100+ फैमिलीज को इस बिजनेस से उन्होंने सिक्योर किया है राइट। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन हिरेन सर। यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में काफी बार एक मैसेज आ रहा है शेयरिंग करने के लिए, तो हम लोग एक छोटा सा एक मिनट का वक्त लेके यहाँ पे मनिया कुकड़िया करके एक बेबी है उनको हम लोग यहाँ पे इन्वाइट करेंगे और उनसे हम लोग जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं राइट। यस मनिया, मनिया कुकड़िया में हाय। हाय गुड इवनिंग ऑल, मायसेल्फ मनिया कुकड़िया, मैं सूरत से हूँ, मैं अभी 5th standard में पढ़ रही हूँ। मैं और मेरी फैमिली 4 साल से कैंगन वाटर पी रहे हैं। कैंगन से पहले मेरी फैमिली में 2-3 बीमारियां थी, एक एसिडिटी का प्रॉब्लम था, दूसरा दादर का प्रॉब्लम था। ये सभी में आज बहुत रिजल्ट मिला है। कैंगन ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी है। कैंगन में हमारे सपनों की जान होती है। जब से कैंगन हमारे घर में आया है तब से मेरा पूरा परिवार हैप्पी एंड हेल्थी है। मैं सभी को एक ही मैसेज करूंगी कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और इस बिजनेस में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इतनी छोटी बच्ची ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर जो बोला है कि कैंगन में हमारे सपनों की जान है, मेरे घर पे जितने भी बीमारियां थी उनमें मुझे रिजल्ट मिला है राइट। और इतनी कम उम्र में उनको ये भी पता है कि आप सारे लोगों को मिलकर उनको सपोर्ट करके इस बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस हो सकते हो राइट मनिया। राइट थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पर आकर काफी सारे लोगों को इंस्पायर किया है। यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और इस रूम के अंदर भी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस दुनिया के लिए एक बार जोरदार अप्रिसिएशन हो जाए चैट बॉक्स के अंदर। प्लीज एवरीवन, प्लीज मनिया को एक बार बढ़िया तरीके से आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। Thank you very much all. Yes, my dear friends, तो अभी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या आज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी हम कुछ ही मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा जो मीटिंग वो एंड करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद और काफी सारे लोगों के रिव्यूज जानने के बाद क्या आपको लगता है कि नहीं एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे फैमिली के लिए, ये चीज बहुत ही जरूरी है, और क्या आपको लगता है कि इस चीज की वजह से आपकी जिंदगी के अंदर 360 डिग्री चेंज आ जाएगा? प्लीज मैं चैट बॉक्स में आपकी आपसे जानना चाहता हूँ, इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, क्या आपकी जिंदगी में 360 डिग्री चेंज आ रहा है ऐसा आपको दिख रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो टाइप कीजिए। यस यस थैंक यू सो मच यस मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि आज काफी सारे डिसीज जो है वो बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में और हमारे फैमिलीज के अंदर भी हो गए काफी सारे डिसीज, कैंसर से लेके बहुत ही बड़े बड़े डिसीज जो है राइट। तो क्या आपको लगता है कि आज आप जो एसिडिक खाना अपने परिवार को खिला रहे हो, पेस्टिसाइड वाला खाना अपने परिवार को खिला रहे हो, एसिडिक पानी पिला रहे हो, वो आपको नहीं पिलाना चाहिए और इसका सॉल्यूशन हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए? यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज देखो पैसा जो है वो हमारे फैमिली से बढ़कर नहीं है,
पहले हमारी फैमिली है और उसके बाद पैसा है, इस चीज में आप एग्री करते हो तो किसी के साथ चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, राइट? यस। उसी के साथ साथ हेल्थ भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारा वेल्थ। तो यहाँ पर भी मित्तल सर ने आके बहुत ही बढ़िया 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस के एडवांटेज और उनकी इंफॉर्मेशन आपको दी कि जो बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टार्टिंग होता है, साथ ही साथ उस बिजनेस के अंदर आपको कोई स्टॉक या तो फिर कोई फैक्ट्री नहीं खोली है, लेकिन वो बिजनेस आपकी आगे की 3 जनरेशन को सिक्योर करता है। क्या ऐसा बिजनेस भी हमें करना चाहिए और इसका भी डिसीजन हमें जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, यस और नो? प्लीज चेकबुक में प्रेशर कनेक्ट कीजिए और यस और नो टाइप करते रहिए, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज आप सभी लोग अपना जो कीमती समय निकल कर आए हो, मुझे 100% यकीन है कि वो कीमती समय आज के सारे सुपरस्टार्स जो है उन्होंने आपका वेस्ट नहीं किया है और आपकी जिंदगी के अंदर काफी सारे वैल्यूज जो है वो ऐड किए। ये मैं भी मानता हूँ, इस पूरी मीटिंग को होस्ट करने के बाद आज मुझे भी लग रहा है कि मेरी जिंदगी के अंदर भी इन लोगों ने जो है वो वैल्यूज ऐड किए, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरी पार्टिसिपेट जिन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, एवरी हेल्थ शेयरिंग वेल्थ शेयरिंग, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जूम पर मेरे जितने भी पार्टिसिपेट है, मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा कारनामा, ये जो हमारा एनएस इंटरनेशनल पूरा ग्रुप है, काफी सारे लोगों के मुंह से आपने नागेश्वर सर, एनएस इंटरनेशनल, इनका नाम सुना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे इस मीटिंग जो है सबसे बेस्ट मीटिंग रही आज की, और काफी सारी जो है वो आपको शॉकिंग जो है वो देखने को मिला कि 8 साल की बच्ची ने हेल्थ के बारे में प्रेजेंटेशन किया, 16 साल का बच्चा जो है उसने 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो ये सारी चीजें पॉसिबल तब हुई कि जब नागेश्वर सर की मैं बात करूं तो आज उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा हैप्पी बर्थडे नागेश्वर सर, कि जो मेरे एक मेंटर है। आज मैं जहां कहीं भी हूँ, ये सारी चीजें जो मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी वजह से बोल पा रहा हूँ। और आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तो आप एक इतने बढ़िया ग्रुप के साथ ज्वाइन होगे कि यहाँ से आपके हर सपने जो है वो पूरे हो पाएंगे। यस, 25 दिसंबर है आज और बहुत ही बढ़िया दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे एक ग्रेट मेंटर, ये जो पूरा कारनामा जिन्होंने खड़ा किया है, राइट, ये जो पूरा ग्रुप जिन्होंने डेवलप किया है, आज ये जो सारी चीजें आप लोगों के सामने हो रही है, ये जो जिनकी वजह से हो रही है, उनका बर्थडे जो है वो आज है। सो हैप्पी मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे नागेश्वर सर। 25 दिसंबर जो है वो आज जाके इस इनर्जी प्लेटफॉर्म के अंदर कभी भी भुलाने वाला नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज आप लोग देख सकते हो, मुझे भी लगता है कि इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपको भी ये 25 दिसंबर कभी ये आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आज इतने छोटे बच्चों ने आके आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो दी है कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर चुकी है, मुझे 100% यकीन है कि वो भी ये दिन आपके जीवन में कभी भी नहीं भूला जाएगा। सो मैं वंस अगेन हैप्पी बर्थडे नागेश्वर सर, और थैंक यू सो मच कि इतना बड़ा कारनामा आपने खड़ा किया और काफी सारे यंग बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपने जो है उनके सपने पूरे करने की एक राह दिखाई है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे जितने भी पार्टिसिपेट हैं जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि जिन्होंने ये पूरी मीटिंग अटेंड की और अपनी जिंदगी के अंदर अपने फैमिली के लिए कुछ डिसीजन लिया है। वंस अगेन जिन भी लोगों ने आपको इन्वाइट किया है, प्लीज उनको फटाफट से कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद फर्स्ट उनको थैंक यू कीजिए कि थैंक यू सो मच आपने एक बेस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे काबिल समझा और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं इस चीज के अंदर और भी ज्यादा डिटेल्स में जाना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे कमेंट दीजिए। और इस इंफॉर्मेशन बारे वो ट्रेलर जिन बच्चों ने मुझे देखा है, मुझे उनका पूरा पिक्चर देखना है, वो प्लीज मुझे पूरा पिक्चर दिखाइए। आपको उनको कॉल करना है और ये कहना है थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे YouTube के पार्टिसिपेट, मेरे Zoom के पार्टिसिपेट, सारे प्रेजेंटर्स और हेल्थ और वेल्थ शेयरिंग वाले। मैं बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मीटिंग वाइंड अप होने से पहले एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिक आप प्ले कर दीजिए और साथ ही साथ इस मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। मैं आपका होस्ट और दोस्त जय जोशी, वेरी सून मैं आपसे फिर जल्दी मुलाकात करूंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे भी इतनी देर तक सुना, राइट?
Yes, backbone team. And happy birthday, Nageshwar sir, once again.